वेलकम टू गेट इट जी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरह से आप आपके सिस्टम में MySQL को इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी SQL क्वेरी को रन करने के लिए आपके सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल होना चाहिए। और हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आप MySQL डेटाबेस अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे, कि कोई हार्ड स्टेप नहीं है आपके सिस्टम में MySQL को इंस्टॉल करने के लिए। जस्ट आपको क्या करना होगा कि कोई भी आप जो ब्राउज़र यूज़ करते हैं एज इन मोजिला इंटर नेट ब्राउज़र या फिर क्रोम ब्राउज़र, तो हम यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर रहे हैं। तो क्रोम ब्राउज़र में हमने ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना है MySQL। जैसे आप MySQL टाइप करेंगे, आप इसको इंटर करेंगे, तो आपके सामने यहाँ पर एक लिंक्स ओपन होगी और इस पेज पर पास डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स रहेगी। सो आपको क्या करना है कि आपको क्या है, फर्स्ट लिंक जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट की जो भी होगी आपके पास, उसको देखना है कि https://www.mysql.com। इसमें डिफरेंट डिफरेंट सजेशन आपके सामने आ रहे होंगे। इन सजेशन से आपको क्या करना है कि आपको ये जो लिखा हुआ है माई एस क्यू एल इंस्टॉलर, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे माई एस क्यू एल इंस्टॉलर, सो आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। इस नए पेज में आपके सामने यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन सेलेक्ट करना होगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बाई डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पे दो वर्जन आपके पास शो हो रहे हैं यहाँ पर, तो आपको कौन सा यूज़ करना है। तो आपको यूज़ करना है कंप्लीट इंस्टॉलर, जिसमें आपके पास कंप्लीट जो है आप ऑफलाइन इंस्टॉल कर लेंगे। तो ऑफलाइन कंप्लीट इंस्टॉलर में आपके पास ये 435 MB की फाइल को डाउनलोड करके आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना होगी। सो अभी हमने यहाँ पर क्या करा है कि इस इंस्टॉलर को ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, पर हम प्रोसीजर देखते हैं इसके साथ इसके बाद क्या प्रोसीजर होगी। तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास अगेन एक न्यू पेज आएगा। इस न्यू पेज में आपको लॉगिन का वो शो करेगा कि आपको लॉगिन करना है या साइन अप करना है, बट आप इसको विदाउट लॉगिन या साइन अप भी आप अपने सिस्टम में इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जस्ट आपको यहाँ जाना होगा, नो थैंक्स जस्ट स्टार्ट माय डाउनलोड। ओके, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। फिलहाल मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ और इसको कैंसिल भी कर देता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने वही सेम इंस्टॉलर डाउनलोड करके रख रखा है। ओके, अब हम इसको इंस्टॉल करेंगे हमारे सिस्टम में। तो अब इसको इंस्टॉल करने के लिए मैं इसी डाउनलोडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोडिंग डाउनलोडिंग करने के बाद इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। इट विल टेक सम टाइम, सो इसको आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना होगा, जो दो इंस्ट्रक्शन आपके सामने आ रहे हैं। तो जैसे हमने इंस्टॉलर पे क्लिक करा, आपके सामने वेरी फर्स्ट जो विंडो आई है उसके अंदर कुछ ऑप्शंस आपसे पूछ रहे हैं कि आपको डेवलपर मोड चाहिए, आपको सर्वर ओनली मोड चाहिए, आपको क्लाइंट ओनली मोड चाहिए, आपको फुल चाहिए या फिर आपको कस्टम ओनली चाहिए। सो हमें यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। हम एज अ डेवलपर एज अ क्यूरी हम एसक्यूएल क्यूरी को ट्राई करके देखेंगे बार बार। तो एज अ डेवलपर आपको यहाँ पर क्लिक रखना है। तो डेवलपर क्लिक करा और आपने इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करा। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, तो आपसे पूछेगा कि आपको क्या इंस्टॉल करना है और कौन से पाथ में इंस्टॉल करना है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो पाथ ले रहा है सी ड्राइव आपकी लेगा विंडोज़ की, तो सी ड्राइव में आप इसको इंस्टॉल होने दीजिए। आप इसको चेंज ना करिए, यहाँ पे डेटा डायरेक्टरी आप इसकी चेंज ना करिए, आप इसको इसको यही रहने दीजिए और आप ये पाथ को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। ओके, उसके बाद फिर आप नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपको कुछ एरर में वार्निंग शो कर रहा है। क्यों शो कर रहा है कि ऑलरेडी मैं इसके पहले एक बार अपना सिस्टम में डेटाबेस इंस्टॉल करके देख चुका हूँ। सो पाथ ऑलरेडी क्रिएटेड हो चुका है और उसके कारण ये मुझे वार्निंग दे रहा है कि देयर इज आपके पास एक यही सेम पाथ ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है आपके सिस्टम। सो आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम इसको क्रिएट करेंगे कि यस हम इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको अदर इंस्टॉलमेंट में क्या चाहिए, इंस्टॉलेशन में क्या चाहिए। तो आपको विजुअल स्टूडियो का ये सजेशन दे रहा है कि आप मैनुअली विजुअल स्टूडियो भी इंस्टॉल कर सकते हैं, बट एसक्यूएल क्यूरी के लिए हमें विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें जस्ट एसक्यूएल क्यूरीज को रन करके देखना है। हमें कोई डेटाबेस हमें कोई डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटी नहीं करना है। तो उसके लिए आप इस पर चेक इस चेकबॉक्स पर क्लिक ना करिए और नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। ओके, तो
तो यहाँ पर अगर कुछ मिसिंग आपके पास अपग्रेडेशन में नहीं है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए, यस। नेक्स्ट जो है आपके पास डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे दिखा रहा है कि कौन कौन सी चीज़ें वो इंस्टॉल करेगा, तो इन सभी चीज़ों को कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है अगर आप इस पैकेज को इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने सिस्टम में। तो हम जस्ट एग्जीक्यूट कर देंगे इस बटन को क्लिक करके। तो एग्जीक्यूट किया हमने, तो अब देखिए आप यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है अब माई एस क्यूएल का आपके सिस्टम में, और ये कुछ टाइम लेगा आपके सिस्टम में जब तक हम वेट करते हैं, जब तक कि कंप्लीट इंस्टॉलेशन हमारा सिस्टम में ना हो जाए। ओके, सो आप देख सकते हैं कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है यहाँ पर, सभी मॉड्यूल्स का, सभी पैकेज का पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब इसके बाद आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। ओके, तो जैसे हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे कुछ कॉन्फ़िगरेशन और परफॉर्म करेगा ये। तो ये बोल रहा है कि माई एस क्यूएल सर्वर और इसको भी इंस्टॉल करना है कॉन्फ़िगरेशन में, माई एस क्यूएल राउटर को भी इंस्टॉल करना है, सैम्पल एग्जाम्पल को भी इंस्टॉल करना है। तो नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा आप। ओके, तो इस चीज़ को आप मॉडिफाई ना करिए तो बेहतर रहेगा। इस चीज़ हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, नेटवर्किंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, सर्वर इंस्टॉल करने, सर्वर से कनेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस चीज़ को आप ना इंस्टॉल करिए, इसको एज इट इज़ छोड़ दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करिए। इस विंडो को भी आप एज इट इज़, इसमें जो लिखा हुआ यूज़ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इंक्रिप्शन एंड ऑथेंटिक इन्वेशन, इसी को आप प्रेफर करिए और इसी को नेक्स्ट कर दीजिए। अब आपको यहाँ पर एक रूट पासवर्ड डालना होगा, जो कंप्लीट आपका पासवर्ड जो रहेगा वो सिक्योर पासवर्ड रहेगा, और वो आपको याद रखना होगा उस पासवर्ड को। तो फिलहाल मैं इस पासवर्ड को यहाँ डाल देता हूँ जो मुझे प्रेफर लगता है। तो मैं यहाँ पासवर्ड डाल चुका हूँ, और इसकी कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट है, तो वो अगर फुलफ़िल नहीं होगी तो ये आपको यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो अभी ये बोल रहा है कि आपने पासवर्ड इनकरेक्ट डाला है, मतलब आपने इसके सिस्टम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं डाला है। तो आपको बता दूँ, आपको यहाँ पर एक अल्फा न्यूमेरिकल कैरेक्टर लेना है, एक कैपिटल लेना है और एक न्यूमेरिकल कैरेक्टर लेना है। तो कैपिटल भी होना चाहिए, स्मॉल लेटर में भी होना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिकल लेटर भी होना चाहिए और नंबर भी होना चाहिए। तो अगर आप इस तरह से पासवर्ड क्रिएट करेंगे तो आपका पासवर्ड क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो यहाँ हम उसी तरह से पासवर्ड क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी पासवर्ड डाल चुका हूँ, और मैंने चेक ऑपरेशन परफॉर्म करके देख चुका हूँ, तो पासवर्ड करेक्ट मैच हो चुका है। चेक ऑप्शन मेरा चेक जो है चेक कंप्लीट हो चुका है। तो हम नेक्स्ट ऑपरेशन पे जाते हैं। नेक्स्ट पे हमने क्लिक करा, जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करा, अब आपसे ये फिर कुछ इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो इस चीज़ को भी आपको कोई चेंज नहीं करना है, इसमें भी जैसा ये है वैसा ही आपको इसको लीव करना है, एंड देन अगेन आपको नेक्स्ट विंडो पे जाना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट विंडो पे जाने के बाद आपसे आपकी कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करने का पूछेगा कि आपको कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई करना है, कोई चेंजेस फर्दर इसमें चेंजेस तो नहीं करना है। तो आप इसमें कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं, इसको एग्जीक्यूट ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वापस कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो चुका है। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी हम वापस अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पर, और जो है सक्सेसफुली यहाँ पर हमारा कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई हो चुका है। एंड इसके लिए मुझे फिनिश ऑपरेशन पे क्लिक करना होगा बाद में। देन मैंने यहाँ पर फिनिश ऑपरेशन पे क्लिक कर दिया। ओके, नेक्स्ट अगेन आपसे कुछ पूछ रहा है कि फर्स्ट जो सर्वर इंस्टॉलेशन का काम था वो हमारा हो चुका है। अब देख हम अब हमें राउटर को इंस्टॉल करना है, तो आप इस राउटर वाले कॉन्फ़िगरेशन को स्किप भी कर सकते हैं किस तरह से। तो हमने यहाँ पर कुछ भी इस पर चेंजेस नहीं किया और इसको फिनिश कर दिया। तो आपका एक माई एस क्यूएल राउटर वाला जो पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर जस्ट सैम्पल एंड एग्जाम्पल वाले पार्ट को कंप्लीट करना है, इसको आप नेक्स्ट कर सकते हैं। और इसको नेक्स्ट करने के लिए आपको यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना होगा, एक इनिशियल पासवर्ड को क्रिएट करना होगा। तो आपको यूज़र नेम आपको यहाँ पे देना होगा आपके सिस्टम के लिए, और एक पासवर्ड भी आपको देना होगा जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं आपके कंप्यूटर को। ओके, तो यहाँ पर यूज़र एंड यूज़र जो है आप रूट रख सकते हैं, आपका जो नाम रखना चाहते हैं आप वो रख सकते हैं, और पासवर्ड जो आपने क्रिएट करा होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन आप वो डालना होगा आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे जो मैंने चेक टाइम पे इसके पहले जो पासवर्ड सेलेक्ट करा था वही मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट करूँगा। तो चेक ऑपरेशन परफॉर्म करा, देखिए चेक ऑपरेशन में मेरे पास यहाँ पर राइट टिक आ गया, दैट मीन्स मेरे पास कनेक्शन हो चुका है माई एस क्यूएल सर्वर के साथ। और नेक्स्ट ऑपरेशन मैं क्लिक करूँगा, एंड देन अगेन वो कॉन्फ़िगरेशन को सेटअप करवाएगा आपसे, और एग्जीक्यूट कर दीजिए इसको। तो आपका सर्वर आपका माई एस क्यूएल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। आप यहाँ पर अपने इसको फिनिश कर सकते हैं, और फिनिश कर जैसे आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर सारे कॉन्फ़िगरेशन जो होना थे वो हो चुके हैं। तो आप नेक्स्ट क्लिक करिए यहाँ पर, एंड आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए इसको, अगर यहाँ से करते तो आपका माई एस क्यूएल सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इसको स्टार्ट करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर शेल भी ओपन हो जाएगा माई एस क्यूएल का,
और आपका ये जो वर्क बेंच है वो भी ओपन हो जाएगा। अब आपको एसक्यूएल क्यूरी को टेस्ट करना है कि आपने एसक्यूएल जो इंस्टॉल करा है उसको किस तरह से आप उस पर क्यूरीज को फायर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इसको क्लोज कर दीजिए, इस विंडो को, भी क्लोज कर दीजिए। स्टार्ट मेन्यू में जाइए, स्टार्ट मेन्यू में जाके आप टाइप करिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं माई एसक्यूएल कमांड लाइन। तो आपको ये माई एसक्यूएल कमांड लाइन ओपन करना है। इस कमांड लाइन में आपने जो इनिशियल पासवर्ड दिया होगा एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन, आपको वो यहाँ डालना है। तो वो जो पासवर्ड हमने इंस्टॉल डाला था वो मैं यहाँ फिर से डाल रहा हूँ। इंटर प्रेस करना है। तो आप जैसे ही इंटर प्रेस करके आप देख सकते हैं आप माई एसक्यूएल के माई एसक्यूएल आपका सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अब आप यहाँ पर क्यूरीज फायर कर सकते हैं। तो माई एसक्यूएल को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल कुछ क्यूरीज है जिसको आपको डालना होगा। आपको डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा और डेटाबेस को सिलेक्ट करने के बाद आपको टेबल सिलेक्ट करनी होगी और आपको फिर कुछ क्यूरीज रन करना होगी। तो किस तरह से आप MySQL में क्यूरीज रन कर सकते हैं हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे देखना है कि मेरे सिस्टम में कि कौन कौन से डेटाबेस क्रिएटेड हैं, सो उसके लिए मैं कमांड डालता हूँ शो डेटाबेसेस स्पेस, यहाँ डालना है मुझे डेटाबेसेस, ओके, और सेमी कॉलम लगाना है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा आप देखिए सिस्टम में जो जो डेटाबेस इंस्टॉल है वो सारे डेटाबेस आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगी। सपोज अगर आप चाहते हैं कि आप इन डेटाबेस को ना यूज़ करके आप अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हैं, रिलेशन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप अपना खुद का डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं। किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए आपको कमांड डालना होगी क्रिएट डेटाबेस स्पेस, आपको डेटाबेस का नाम देना होगा यहाँ पर। तो मैं अगर नाम देता हूँ डेटाबेस का तो गेटेड जील अगर नाम देता हूँ डेटाबेस का, सेमी कॉलम इंटर। सो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक मैसेज आया क्यूरी ओके वन रो अफेक्टेड। अब आपको चेक करना है कि क्या ये डेटाबेस क्रिएट हुआ कि नहीं सिस्टम में। तो अगेन आप वही कमांड डालेगी यहाँ पर शो डेटाबेसेस, इंटर प्रेस करेंगे, शो डेटाबेसेस इंटर अगर आप करते तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अभी करंटली गेटेड जील डेटाबेस क्रिएट करा है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटाबेस की लिस्ट में गेटेड जील डेटाबेस आपको यहाँ पर विजिबल हो गया है। ओके, नेक्स्ट डेटाबेस क्रिएट करने के बाद आपको उस डेटाबेस में टेबल्स इंसर्ट करने के लिए आपको डेटाबेस को यूज़ करना होगा और डेटाबेस यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर एक कमांड डालनी होगी कि मुझे सबसे पहले डेटाबेस को सेट करना होगा कि किस डेटाबेस में मैं अपनी नई टेबल क्रिएट करना चाहूँगा। ओके, सो मैं जो डेटाबेस यूज़ करना चाह रहा हूँ वो गेटेड जील है, तो उसके लिए मुझे डालना होगा यहाँ पर यूज़ गेटेड जील। ओके, सेमी कॉलम। सो अब आप इस डेटाबेस के अंदर आप क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे। तो अगर मैं इंटर फायर करता हूँ तो आप देखिए डेटाबेस चेंज होने का आपके पास मैसेज आता है कि आप अभी फिर आपका करंट जो है डेटाबेस वो क्या हो गया, चेंज हो चुका है और अभी आप गेटेड जिल डेटाबेस में टेबल्स क्रिएट करेंगे। ओके, फिलहाल गेटेड जिल डेटाबेस में कोई टेबल नहीं है। अगर आपको टेबल्स देखना है कितनी टेबल्स है गेटेड जिल डेटाबेस में, तो उसके लिए आपको कमांड डालनी होगी शो टेबल्स सेमी कॉलम। तो आप देखते हैं कि डेटाबेस आपका एम्प्टी है, इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं एक टेबल क्रिएट करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास डेटाबेस में चेंजेस आता है। तो एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, सिंपल टेबल क्रिएट टेबल टेस्ट, टेबल के मैंने एट्रीब्यूट दिए ए जो है मेरा एक इंटीजर टाइप का एंड बी जो है मेरा अगेन इंटीजर टाइप का। एट दैट्स इट, मेरे पास दो ही इस टेबल में एट्रीब्यूट से दो ही कॉलम से और इस कॉलम यही टेबल मुझे क्रिएट करना है। तो मैंने टेबल का नाम डाला क्रिएट टेबल टेस्ट, एंटर करूंगा तो आप देखिए अगेन मैसेज मिला क्योरी ओके, वन रो हमारी क्या हो गई, जीरो रो हमारी अफेक्टेड हुई है, दस हमने एक टेबल क्रिएट करी है। अब आप देखिए शो टेबल्स करिए, तो जैसे ही शो टेबल्स करेगी इस डेटाबेस में आपके पास एक टेबल शो होगी। सो अभी हमने एक टेस्ट टेबल क्रिएट करी थी, वो टेस्ट टेबल हमारे डेटाबेस में अब आ चुकी है। ओके, सो ये हुआ हमारा इनिशियल कुछ सेटअप। हमको कुछ डेटाबेस किसी भी डेटाबेस में एसक्यूएल टेबल क्रिएट करने के लिए यहाँ तक कि हमको प्रोसीजर फॉलो करना होगा। हमें या तो डेटाबेस नया क्रिएट करना होगा या फिर हमें पुराने डेटाबेस एग्जिस्टिंग डेटाबेस को यूज़ करना होगा और उस डेटाबेस में अगर वो टेबल है तो उसको किस तरह से आपको टेबल देखना है वो आप उस शो टेबल कमांड के थ्रू देख सकते हैं। अब आप इसके इस जो टेबल क्रिएट करें इसमें आप एक टपल इंसर्ट करके देखिए, इंसर्ट कमांड के थ्रू।
इंसर्ट कमांड क्या करता है, इंसर्ट करता है रोज इन टेबल। सो हम इंसर्ट कर रहे हैं एक रो, इंसर्ट कर रहे हैं एक टेबल में। तो इंसर्ट कमांड के क्या है कमांड, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम जो हमने अभी क्रिएट करा, इंसर्ट इनटू टेस्ट। टेस्ट टेबल में हम अगेन रोज डाल के देख रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेस्ट वैल्यूज। जो वैल्यूज मुझे डालना है, ब्रैकेट लगाऊंगा, दो कॉलम रखे थे हमने, दो कॉलम में हमें इंफॉर्मेशन डालनी है। तो सपोज फर्स्ट कॉलम मेरा ए था, उसके अंदर मुझे इंफॉर्मेशन डालनी है, इंटीजर इंफॉर्मेशन डालनी है, तो मैंने डाला 1। और सेकंड कॉलम मेरे पास भी इंटीजर टाइप का था, जिसके जिसका नाम था 2, और जिसका नाम था हमारा बी, उसके अंदर मैं डाल रहा हूँ 2। ओके, तो जैसे इंटर प्रेस करेंगे, अब आप देखिए आपके पास अगेन मैसेज आया, क्यूरी ओके, 1 रो अफेक्टेड। ओके, अब किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देखना है अगर हमारे टेबल में, तो कैसे हम देखेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ फायर करेंगे सिलेक्ट क्यूरी को। सिलेक्ट क्यूरी हमारे पास डिस्प्ले कर देती है टेबल्स की वैल्यूज को। तो सिलेक्ट क्यूरी फायर करूँगा मैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम जो है हमारा टेस्ट। सो आप देखिए अभी मैंने एक ट्रू इंसर्ट करी 1 2 विथ वैल्यू, और आपके सामने जो जो टेस्ट टेबल थी उसके अंदर दो कॉलम्स थे, ए एंड बी एंड 1 2। सो इसी तरह से आप किसी भी प्रकार के क्वेरीज को आप यहाँ पे ट्राई करके देखिए, एग्जीक्यूट करके देखिए। अगर एनी एनी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप हमसे पूछिएगा। ओके, और भी बहुत सारी कमांड्स होती है, तो आपको लेक्चर्स में बहुत सारे कमांड्स सिखाई जाएगी, बहुत सारी क्वेरीज का एग्जीक्यूशन सिखाया जाएगा। तो वो सब आपको इस डेटाबेस के ऊपर ट्राई करना है। अगर आप ट्राई करेंगे तो आप बहुत कंफर्टेबली आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। ओके, सो दिस इज द इंस्टॉलेशन ऑफ MySQL इन योर सिस्टम। ओ थैंक यू गाइस।